दोस्तों ड्रामा सीरियल जाने सार के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों दुआ तो घर से निकाली गई और दुआ के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने आप को बस मानने ही वाली होती है और दोस्तों बहुत ही अफसोस के साथ वो अपनी फैमिली को याद कर रही होगी कि अगर बाबा मेरी एक बार बात सुन लेते कि मैं बाबा को बताती कि मेरा कोई कसूर नहीं है। दोस्तों ये सारा कसूर तो सरफराज का था और यहाँ पर दोस्तों सरफराज भी अब तबाह होने वाला है क्योंकि उसकी शादी भी दुआ की बहन के साथ हो गई है। वो कैसे खुश रह सकता है। वो दुआ का सारा गुस्सा फिजा पर उतार देता है और अपने सारे कमरे की चीज़ें तोड़ फोड़ कर देता है। यहाँ पर दोस्तों सरफराज को बहुत गुस्सा होगा कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो इतनी सारी चीज़ें ये प्लानिंग के साथ की थी लेकिन सारा प्लान तबाह हो गया। मुझे क्या पता कि फिजा की बहन ही दुआ है। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नौशरवा ठीक होकर अपने फार्म हाउस पर आता है जहां वो बस दुआ को याद कर रहा होगा। यहां पर नौशरवा जाफर को कहता है मुझे दुआ से बात करनी है। दोस्तों अगले ही सीन में नौशरवा के मुलाजिम कहीं जा रहे होंगे तो उसकी गाड़ी के सामने दुआ आ जाएगी और दुआ का एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों दुआ को फार्म हाउस लेके आते हैं और फिलहाल नौशरवा को इस बारे में इल्म नहीं होता। दोस्तों जाफर और उसके मुलाजिम दुआ को फार्म हाउस में ठहराते हैं और उसे खाना वगैरह सब कुछ देते हैं। दुआ बहुत ही डरी और सहमी हुई होगी। दोस्तों यहाँ पर देखना यह होगा कि नौशरवा को जब इस बारे में मालूम होगा कि दुआ को घर वालों ने घर से निकाल दिया है और दुआ के साथ इतना सब हो गया लेकिन जाफर ने उसे कुछ नहीं बताया, दोस्तों वो बहुत गुस्से में आ जाएगा और अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं करेगा। बस वो दुआ से सारी कहानी सुनेगा कि ये सब किसने किया। यहाँ पर दुआ फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ है।